अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम जवीरिया का मालूम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं तो हतीम के टाइमिंग्स बता दें कि लेडीज़ और जेंट्स हतीम में किस वक्त नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले मैं तवाफ़ भी करूँगी। इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं, 12 बजने में 5-7 मिनट बाकी है और पहले तवाफ़ करेंगे और फिर देखते हैं कि हतीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती। कि दो दिन से मैं हतीम में देख रही हूँ कि इस टाइम जो है वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं लाइन में नहीं लगी। आज कोशिश करते हैं, अगर जगह मिलती है तो आपसे भी शेयर करते हैं। वैसे अमूमन क्या होता है कि आज तक भी मैं जितनी बार आई हूँ ऐसा ही हुआ है कि मदीना में मौसम सही होता है, मक्का में मौसम ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मदीना में रात भी बहुत गर्म है और मक्का में दोपहर में तो अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन रात में बड़ा अच्छा, मतलब सही लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि दम घुट रहा है या सांस नहीं आ रहा, लेकिन मदीना में ऐसा फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे तो इस बार। तो अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो भी हैरान होता है, जैसे मक्का में कोई रहने वाले हों, क्योंकि मदीना में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मदीना में मौसम ज़रा सही होता है मक्का के मुनासिबत, लेकिन इस बार मुझे मदीना में ज़्यादा गर्मी लगी। ये देखें पानी कैमरे पे भी गिर रहा है। अब जी इस तरफ आ गए हैं, एक वो रास्ता जा रहा है हरम, वो क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली रोड है, और एक ये रोड है, ये दारुल तौहीद और जबल उमर वाला है, और एक ये है, ये दारुल तौहीद और मक्का टावर वाला है। ये तीनों रोड्स जो हैं जाते हैं मस्जिद अल हराम की तरफ। क्या ही बात है इन रोड्स की, माशाल्लाह। हम ऊपर आए हैं, वो 7 नंबर वॉशरूम लेडीज़ का है और ये 6 नंबर वॉशरूम जो है वो मर्द हजरात का है, और हम सीधा जाएंगे ये जो बिल्कुल सीधे दो मीनार वाला ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये बाबे मलिक फ़हद 79 नंबर गेट है, और कोशिश करेंगे कि यहीं से हम एंटर हों इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी मम्मा से बात करते करते मताफ़ एरिया में आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मताफ़ में मौजूद हूँ अभी, तवाफ़ करती हूँ। और बाहर से अंदर आने तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो बस बात करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब चलते हैं जी आगे और तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ के बाद देखते हैं कि हतीम में क्या है, नमाज़ मिल सकती है इस वक्त क्या नहीं मिल सकती। बज रहे हैं रात का 1:15 और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेडीज़ की लाइन लग चुकी है और यहाँ पर लेडीज़ को जाने दिया जा रहा है। मैं भी इस लाइन में खड़ी हो गई हूँ, ये देखेंगे लेडीज़ के लिए खोल दिया गया है। 1:15 बज रहा है, 4 अक्टूबर 2023, इस तरह लाइन लग रही है। जैसे जैसे वो खवातीन अंदर जाती रहेंगी ये वाली लाइन अंदर जाती रहेगी, ठीक है। और वो देखिए अंदर तमाम खवातीन चली गई हैं, माशाल्लाह। यहाँ पे ये बैरियर्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर एक एक लाइन होती है और इस तरह जाने दिया जाता है। इस वक्त 1 बजे में तकरीबन 12-13 मिनट्स बाकी हैं और ये ख़वातीन हैं, सामने ही मर्द हजरात की भी लाइन है। आई थिंक इन ख़वातीन के बाद फिर मर्द हजरात को जाने दिया जाएगा और फिर यहाँ जो ख़वातीन हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। इस तरह ये नफिल पढ़ लेंगे और फिर बाहर कर देंगे कि बाहर आ जाए। अब ख़वातीन जो है वो बाहर आ गई हैं और अब मर्द हजरात को भेजा गया है, अभी हम यही हैं और तकरीबन 1 बजने वाला है। अब मर्द हजरात को भी जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, इंशाल्लाह हमारी बारी आ जाएगी। अब मर्द हजरात का जो है वो बिल्कुल तकरीबन खाली हो गया, 1-2 रह गए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी बारी। इस तरह जो है वो हम आ गए नमाज पढ़ने, तकरीबन 1:15 हम आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नफिल मैंने पढ़ लिए हैं, तमाम खवातीन नफिल अदा कर रही हैं,
उसके बाद निकाल देंगे, बस 5 से 7 मिनट आई थिंक एक बैच को दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नफिल अदा कर लिए हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये हतीम है, ये काबतुल्लाह के अंदर की जगह है, इसको कहा जाता है ये काबतुल्लाह के अंदर की जगह है, यानी कि ये काबतुल्लाह के अंदर की जगह है, मस्जिद नहीं है, काबतुल्लाह के अंदर की जगह है। यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा किए जाते हैं और दुआएं मांगी जाती हैं। तो बस दुआएं मांग ली हैं, नफिल भी अदा कर लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो एक बैच को दिया जा रहा है, जितने लोगों को अंदर बुलाते हैं। और टाइम अब तकरीबन हो गया है 1:20, मैं 1:15 इस तरफ आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हतीम के हवाले से एक और बात कहूँगी, लाइन लगा दी गई। पहले लोग ये परेशान होते थे कि भाई किसी तरह लाइन लग जाए तो हम आसानी से नफिल अदा कर लें। अब लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी आखिर में जो धक्कम पेल थी, मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो बस आज तो गई, आज मैं मर गई, मैं पूरी तरह जो है वो ख़वातीन ने दबा दिया था। तो क्या कर सकते हैं, कोशिश अपनी तरफ से बस ये कर सकते हैं कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें, लेकिन अगर सामने से कोई दे रहा है तो फिर इसके तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन खैर, ये टाइमिंग्स हैं, आप ज़रूर आएँ और हतीम में नमाज़ अदा करें, 2 रकात तफिल अदा करें और उसके बाद अपनी तमाम दुआएँ मांगें, इतनी दुआएँ मांगें जितनी आप मांग सकते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। बल्कि अभी मेरे पीछे एक आंटी खड़ी हुई थी और वो उर्दू स्पीकिंग नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से दुआ मांग रही थी अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, लिटरली मुझे उनकी बेटियों पर रश्क आ रहा था कि इस कदर के उनके खूबसूरत अल्फाज थे, एक माँ की दुआ के जो अल्फाज होते हैं। मैं ये सोच रही थी कि वो काबतुल्लाह में खड़े होके अपनी बेटियों के लिए किस खूबसूरत अंदाज़ में दुआ मांग रही हैं, क्या उनके खूबसूरत अल्फाज थे। और मैंने उनको बोला भी कि मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को जल्द कबूल करें, और ये भी कहा कि मुझे भी अपनी बेटियों की तरह आपने अपनी दुआ में याद रखना है। कुछ दुआओं के अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो आपके दिल को छू लेते हैं, और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 4 बेटियां हैं, और आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनकी बेटियों के नसीबों को बहुत बुलंद करे। और बहुत हिम्मत वाली खातून थी। सबसे बड़ी बात कि बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से और जिस अंदाज़ से, खूबसूरत तरीन अंदाज से वो अपनी बेटियों के लिए दुआ मांग रही थी, तो मेरे तो दिल से निकला कि या अल्लाह तू इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। चलें अब बाहर की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा सा बाहर का मंजर भी दिखाते हैं कि इस वक्त तकरीबन बज गए हैं 1:45, और मैं कोशिश करूँगी या तो छत पर जाती हूँ, अगर छत पर आई थिंक बंद कर दिया होगा तो फिर बाहर ही बैठते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। जी माशाल्लाह बाहर का मंजर, ये मैंने जमजम ले लिया है। इसमें जमजम लेना बहुत आसान रहता है क्योंकि आप इसको बैग में रख कर ले आते हैं और आराम से भर कर ले जाते हैं। ये आप भर सकते हैं बाहर की तरफ से, बाहर मस्जिद में जमजम मौजूद होता है, आप उस तरफ से भरें, अंदर से मस्जिद से ना भरें, नहीं भरने देते, लेकिन बाहर से भरने देते हैं। और ये इस तरफ है दारुल तौहीद, इस तरफ 6 नंबर वाशरूम मर्द हजरात का, 7 ख़वातीन का, और इधर से मैं जा रही हूँ इब्राहिम खलील रोड की तरफ। आई होप ये हतीम के टाइम की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेट भी बताती चलूँ कि 4 अक्टूबर, डेट भी बताते चलूँ कि 4 अक्टूबर 2023 और 5 अक्टूबर 2023 लग चुकी है, यानी कि 12 बजे के बाद, और बुध का दिन था और जुमेरात की शब है। उसके अलावा तमाम डिटेल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमने तो देखा था, नहीं था। तो देखें टाइमिंग्स चेंज होती हैं इस वक्त, लेकिन ये टाइम है, मैं आपके सामने खुद जाकर आई हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो और आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बारह अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने प्यारों के साथ हाजिर नसीब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।